सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्वायर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए फ्रेश टेक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं Asus ROG फोन के बारे में। अब भाई ये फोन तो अर्ली जून में रिलीज हो चुका था, यानी कि अनाउंस हो चुका था, बट अब तक ये हाथ में देखने को नहीं मिला, यानी कि 4 महीने हो गए किसी को भी नहीं मिला। बट अभी कहा ये जा रहा है इसकी जो शिपिंग है वो शुरू होने वाली अक्टूबर 22 से। तो आपको इंटरेस्ट है अगर Asus RGB फोन के अंदर ROG फोन के अंदर, तो इसे जाके ले लो यार, ये गेमिंग फोन है मेनली, और इसके बारे में सारी ही डिटेल्स हमारे पास है। हम इस फोन को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और साथ ही साथ चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह शुरुआत करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो भाई ये होने वाला एक 4G फोन जिसके अंदर सिम डाल सकते हो GSM, CDMA, HSP और LTE सिम। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, जो इसके होने वाले 158.8, 76.2, 8.7। और बात कर लेते हैं इसके वेट की, तो इसका वेट होगा भैया 200 ग्राम के आसपास, और आउंस में बात करें तो होगा 7.05 आउंस। देन बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, जो कि होने वाला फ्रंट और बैक ग्लास गोरिल्ला ग्लास, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम बॉडी फ्रेम। देन नैनो सिम मिलने वाला है इसके अंदर, और होगा 3 अल्ट्रासोनिक प्रेशर सेंसिटिव जोन, और साथ ही साथ वाटर रेसिस्टेंट भी होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले टाइप जो होने वाला वो होगा AMOLED। देन इसमें होगा 16M कलर जो कि जनरली सब में मिलते हैं। खैर बात कर लेते हैं साइज के बारे में, जो कि होगा 6 इंचेस का, और अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करें तो होगा 92.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की, जो कि होगी भाई 180x2160 पिक्सल्स, और दूसरी भाषा में कहूँ तो भाई 2K की मिलने वाली है। देन बात कर लेते हैं भाई इसमें होगा मल्टी टच, बट थोड़ी एक अलग बात है वो ये है कि इसके अंदर होगा अप टू 10 फिंगर्स, क्योंकि भाई गेमिंग फोन है, कहाँ पता कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। अब बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर होने वाला है प्रोटेक्शन की, बात करते हैं इसके अंदर होने वाला है गोरिल्ला ग्लास, जो कि होगा अनस्पेसिफाइड वर्जन, अभी मतलब हमें पता नहीं है। देन बात कर लेते हैं ROG गेमिंग एक्स मॉडल UI, देन इसके अंदर होने वाला है भाई वाइड कलर गम्बलेट, देन HDR डिस्प्ले, 90Hz ROG गेमिंग UI और काफ़ी कुछ। अब बात कर लेते हैं इसकी OS की, तो इसके अंदर होने वाला है Android 8.1 Oreo, और साथ ही साथ चिपसेट की बात कर लेते हैं इसके अंदर होगा Qualcomm SDM845, यानी कि Snapdragon 845। देन इसकी CPU पे आ जाते हैं, जो कि होगा ऑक्टा कोर, और GPU होगा इसके अंदर Andrew 630, जो कि ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने हाल ही में एक फ़ोन का रिव्यू किया था उसके अंदर थी 616, बट इसके अंदर आपको मिल रहा है 630, जो कि पहले ही दिखाता है कि भाई ये गेमिंग नहीं महा गेमिंग फ़ोन है। खैर बढ़ जाते हैं मेमोरी की तरफ। अब मेमोरी में भाई एक चीज़ हमें मिसिंग लगी कि इसके अंदर कार्ड स्लॉट नहीं है। इसके अंदर आप इंटरनेट डाल सकते हो 128 और 512, इसके अंदर मतलब दो वेरिएंट्स आएंगे, एक होगा 128 GB और दूसरा होगा 512 GB, बट रैम सब में सेम रहने वाली है, 8 GB रैम रहेगी। देन बात कर लेते हैं भाई कैमरे की, तो इसके अंदर पीछे डुअल कैमरा, एक होगा 12 मेगापिक्सल का, जिसका FHR होगा 1.8 और जो कि होगा मेनली PEAF। देन बात कर लेते हैं दूसरे कैमरे की, जो कि होगा 8 मेगापिक्सल का, और भाई इसकी नो AF वाला कैमरा, डेप्थ सेंसर नहीं है इसके अंदर, पता नहीं भाई क्या हिसाब है इसका। खैर बढ़ते हैं इसके अंदर फीचर्स की तरफ, जो कि होगा LED फ्लैश पैनल और HDR। अब वीडियो रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं, तो भैया ये करने वाला है 2160 पिक्सल्स, यानी कि 2K पर, और एट द रेट ऑफ 30 या फिर 60 FPS। अब ये करने वाला है 180p पिक्सल पर, एट द रेट ऑफ 30, 60 और 240 पिक्सल्स पर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्लो वीडियो को आप देख सकते हो, सुपर स्लो कर सकते हो। खैर बढ़ते हैं इसके सेल्फी कैमरे की तरफ, जो कि होगा 8 मेगापिक्सल का, जिसका FHR होगा 2.0, और इसके अंदर आपको मिलेगा पैनोरमा HDR, और साथ ही साथ इसकी जो वीडियो क्वालिटी होगी फ्रंट कैमरे की वो होगी 180p एट द रेट ऑफ 30 FPS। खैर ये काफ़ी अच्छी बात है। देन बढ़ते हैं यार इसके जो साउंड में 3.5 mm का जैक होगा वो इसके अंदर होने वाला है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेटेड माइक होगा, DTS हेडफोन एक्स होने वाला है। अब ये क्या चीज़ है बाद में बताऊंगा एक अलग सी वीडियो में। खैर इस आगे बढ़ते हैं। अब भाई वाईफाई वगैरह तो सब सेम ही है, पर इसके अंदर जो आपको ब्लूटूथ मिलेगा वो होगा 5.0, जो कि सभी लेटेस्ट फोन्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में थोड़े अच्छे फोन हैं उनमें देखने को मिल रहा है। खैर बढ़ते हैं आगे इसके सेंसर की तरफ, इसके अंदर होगा फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि होगा रियर माउंटेड एक्सेलेरेटेड जायरो और प्रॉक्सिमेट सेंसर, और साथ ही साथ ई कंपास भी। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 4000 mAh की बैटरी, जो कि भाई डिसेंट है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि वेट भी ज़्यादा नहीं होगा इसकी वजह से फ़ोन का, और ज़्यादा कम भी बैटरी नहीं है, यानी कि सफिशिएंट है भाई। कलर की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक ही कलर मिलेगा, ब्लैक, जो कि आप जब से स्क्रीन पर देख रहे हो,
और इसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन लगा लो यार 1150 यूरो की। बस भाई इसके बारे में इतनी डिटेल्स है। अब देखने वाली बात ये इंडिया में कब तक आता है भाई, क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं, या फिर काफ़ी कुछ जो नया भी होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं तो हमेशा हूँ इसलिए कहता हूँ यार सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, और जाने से पहले इस वीडियो कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे यार अगर किसी को लेना है गेमिंग फोन, या फिर कोई सोचता भी है तो उसे भाई पता तो लगे आने भी वाला है, और बहुत ही कमाल की बात है। खैर बस भाई, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।